दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके हमारे चैनल टेक्निकल हेल्प में। तो दोस्तों अगर आप भी करना चाहते हैं अपने स्मार्टफोन से कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा शुरू से आखिरी तक देखिएगा ताकि आप सीख सके कैसे अपने स्मार्टफोन से इस तरह की फोटो एडिटिंग करनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव या कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप नए अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल बटन को दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल वाली बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी कोई मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पिकार्ट्स में जाना है, पिकार्ट्स को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको प्लस के साइन में जाकर ड्रॉ में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद आपको अपनी इमेज सेलेक्ट करनी है, वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसे आप एडिट करना चाहते हैं। वो आपकी खुद की इमेज हो या फिर आपके किसी फ्रेंड की इमेज हो, जिसकी भी इमेज हो आप उस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम लोग को इसे इसका बैकग्राउंड इरेज करना है। तो हम लोग रबर में सेलेक्ट करके उसका साइज बढ़ा या घटा लेंगे अपने हिसाब से, उसके बाद इसे इरेज करेंगे। बैकग्राउंड है वो इरेज हो चुका है। हम लोग लेयर पैनल में जाके फोटो लेयर में जाके अपना बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेंगे जो हम लोग को अब लगाना है। इस बैकग्राउंड की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बैकग्राउंड वाली लेयर को हम लोग थर्ड नंबर पर लगाएंगे और अपनी लेयर को सेकेंड नंबर पर। उसके बाद बैकग्राउंड वाली लेयर में जाके ट्रांसफॉर्म में जाके इसे थोड़ा बड़ा कर लेंगे, इसे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अपनी फोटो में जाके उसे भी ट्रांसफॉर्म करके उसे एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा सा छोटा करके। फोटो एडजस्ट हो चुकी है, हम लोग लेयर पैनल में जाएंगे। लेयर पैनल में जाने के बाद हम लोग अब यहाँ पे जो फोटो ऐड करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो लेयर पैनल फिर फोटो लेयर और उसके बाद ये लाइन वाली फ़ोटो हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद ट्रांसफॉर्म में जाके हम लोग इस लाइन को सही जगह पर एडजस्ट करके फिट कर देंगे। उसके बाद फिर से लेयर पैनल, फोटो लेयर और फिर दूसरा वाला लाइन जो हम लोग का था, दूसरा वाला शेयर, उसे भी हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद इसे थोड़ा छोटा करके इस तरह से लगा देंगे। तो हम लोग की फ़ोटो लगभग बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। तो अब इस फोटो को हम लोग यहाँ से सेव करके इफ़ेक्ट्स में जाएंगे। हम लोग इसमें टूल्स में जाके इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, टूल्स में जाके एडजस्ट में हम लोग ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि हम लोग का जो फेस है वो थोड़ा सा अच्छे से दिखे, साफ दिखे। तो ये हम लोग इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा देंगे, बाकी पार्ट आप इरेज कर दीजिए, सिर्फ अपना फेस और हैंड को छोड़ के जो भी आपकी बॉडी का पार्ट है उसे छोड़ के आप बाकी चीज़ें इरेज कर दीजिए, बाकी जगह से ब्राइटनेस इरेज कर दीजिए। उसके बाद हम लोग इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे पिकार्ट से। इसको हम लोग सेव करने के बाद हम लोग अपनी गैलरी में जाएंगे,
और गैलरी में जाने के बाद इस फोटो को हम लोग स्नैपसीड से ओपन करेंगे। अगर आपको स्नैपसीड नहीं पता है तो आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से भी आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप इस फोटो को गैलरी में जाने के बाद स्नैपसीड से ओपन कर लेते हैं। हम लोग शेयर में जाएंगे, शेयर में जाने के बाद स्नैपसीड। स्नैपसीड एक बहुत ही अच्छा ऐप है। तो हम लोग यहाँ एडिट में जाएंगे और HDR स्पेक सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इसकी ब्राइटनेस को एडजस्ट कर लेंगे। हम लोग की फ़ोटो पूरी तरीके से एडिट हो चुकी है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं, इसका जो वेस्ट पार्ट था उसे हटा देते हैं। फ़ोटो क्रॉप होने के बाद पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। तो ये फ़ोटो पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। आई होप आपको ये फ़ोटो एडिटिंग या मेरी फ़ोटो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये फ़ोटो कितनी अच्छी लग रही है एडिट होने के बाद। तो प्लीज़ अगर आप नए, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।